क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट हमारे पास पार्ट 1 है, साइन ऑफ पाई रेडियन प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन ऑफ पाई रेडियन प्लस थीटा है, तो इधर हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला हमारे पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, जो कि इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा। तो इधर हमारे पास अल्फा की जगह पाई है और बीटा की जगह थीटा, तो अल्फा की जगह हम पुट करेंगे पाई रेडियन और बीटा की जगह हम पुट करेंगे थीटा को। तो इज इक्वल टू सबसे पहले साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ पाई रेडियन इनटू कोसाइन ऑफ बीटा की जगह थीटा लिखेंगे, फिर प्लस कोसाइन अल्फा कोसाइन ऑफ अल्फा की जगह पाई रेडियन इनटू इनटू साइन ऑफ बीटा और बीटा की जगह थीटा लिखेंगे, तो ये चीज़ आ जाएगा। अभी हम साइन ऑफ पाई और कोसाइन ऑफ पाई की कीमत को लिखेंगे, और इधर पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री के, तो अभी हमारे पास साइन ऑफ पाई आ जाएगा 0 इंटू कोसाइन थीटा और प्लस कोसाइन ऑफ पाई यानी कोसाइन ऑफ 180 यानी कोसाइन ऑफ 180, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 है और कोसाइन ऑफ पाई इज इक्वल टू -1, तो इज इक्वल टू 0 इंटू कोसाइन 0 आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा एन 1 इंटू साइन साइन थीटा, वैसे ही इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये चीज़ बराबर है राइट हैंड साइड की, तो इक्वल्स टू आर एच एस प्रूफ्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, जिसमें हमें साइन ऑफ 2 पाई रेडियन प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा को प्रूफ करना है, तो इधर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन ऑफ अल्फा इनटू कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा इनटू साइन ऑफ बीटा के, तो इधर अल्फा की जगह 2 पाई और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे, तो अल्फा की कीमत 2 पाई रेडियन और बीटा की कीमत थीटा हो, इज इक्वल टू सबसे पहले साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ 2 पाई रेडियन इनटू कोसाइन बीटा इनटू कोसाइन ऑफ बीटा की जगह थीटा आ जाएगा, फिर प्लस कोसाइन अल्फा यानी कोसाइन ऑफ 2 पाई रेडियन इनटू साइन ऑफ बीटा की जगह थीटा आ जाएगा, तो हमारे पास साइन ऑफ 2 पाई की कीमत 2 पाई इधर 2 पाई बराबर है 360 डिग्री के, यानी कि साइन ऑफ 360 हमारे पास 0 होगा इनटू कोसाइन थीटा, और प्लस कोसाइन ऑफ 2 पाई यानी कोसाइन ऑफ 360 डिग्री हमारे पास आ जाएगा 1 इनटू साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑफ 2 पाई बराबर है 0 के और कोसाइन ऑफ 2 पाई बराबर है 1 के, तो 0 इनटू कोसाइन 0 आ जाएगा प्लस 1 इनटू साइन वही साइन थीटा, तो 0 प्लस साइन थीटा ही आ जाएगा, और ये चीज़ बराबर है राइट हैंड साइड के, इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, जिसमें हमें साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 रेडियन प्लस थीटा
को प्रूव करना है कि बराबर है माइनस कोसाइन थीटा के। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है साइन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा। तो इधर हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो तो इसका आंसर साइन ऑफ अल्फा इंटू कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा आ जाएगा। तो इधर हम अल्फा की जगह 3π/2 और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे। तो हियर अल्फा बराबर है 3π/2 रेडियन के और बीटा बराबर है थीटा के। तो अभी हम पुट करेंगे साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ 3π/2 रेडियन मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ बीटा, कोसाइन ऑफ बीटा की जगह थीटा आ जाएगा, फिर प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ 3π/2 इंटू साइन ऑफ बीटा की जगह हम थीटा लिखेंगे। इधर 3π/2 से मुराद 3π/2 रेडियन खुद बराबर है 270 डिग्री के। तो साइन ऑफ 270 हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू कोसाइन थीटा, फिर प्लस कोसाइन ऑफ 270 आ जाएगा 0 इंटू साइन थीटा। -1 इंटू कोसाइन माइनस कोसाइन थीटा प्लस 0 इंटू साइन आ जाएगा 0 और 0 प्लस माइनस कोसाइन थीटा ही आ जाएगा। और ये चीज़ बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इक्वल्स टू RHS प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ 2π रेडियन प्लस थीटा को प्रूफ करना है कि बराबर है टेंजेंट थीटा के। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है टेंजेंट ऑफ 2π प्लस थीटा। इधर हम टेंजेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे कि टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट बीटा। तो इधर अल्फा की जगह 2π, हियर अल्फा बराबर है 2π के, 2π रेडियन के और बीटा बराबर है थीटा के। तो इक्वल्स टू सबसे पहले टेंजेंट ऑफ अल्फा, तो टेंजेंट ऑफ अल्फा की जगह 2π रेडियन, फिर प्लस टेंजेंट ऑफ बीटा, बीटा की जगह जगह थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा की जगह 2π रेडियन और इनटू टेंजेंट ऑफ बीटा की जगह थीटा। इधर 2π रेडियन बराबर है 360 डिग्री के, तो टेंजेंट ऑफ 360 आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। तो 0 प्लस टेंजेंट थीटा वैसे ही डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ऑफ 360 या फिर 2π आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा। और हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2π रेडियन इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस टेंजेंट आ जाएगा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इंटू टेंजेंट 0 आ जाएगा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 आ जाएगा 1 और टेंजेंट ओवर 1 आ जाएगा वही टेंजेंट थीटा। और ये चीज़ बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5
जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ 2 पाई रेडियन माइनस थीटा को प्रूफ करना है के बराबर है माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट ऑफ 2 पाई रेडियन माइनस थीटा की बने। इधर हम टेंजेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर है टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा इनटू टेंजेंट ऑफ बीटा। तो इधर अल्फा की जगह 2 पाई और बीटा की जगह थीटा है। हियर अल्फा की कीमत बराबर है 2 पाई रेडियन के और बीटा की कीमत बराबर है थीटा के। तो अभी हम इन दो को इधर पुट करेंगे। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी टेंजेंट ऑफ 2 पाई रेडियन माइनस टेंजेंट ऑफ बीटा की जगह थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा की जगह 2 पाई इनटू टेंजेंट ऑफ बीटा की जगह थीटा आ जाएगा। इधर 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के और टेंजेंट ऑफ 360 या फिर टेंजेंट ऑफ 2 पाई बराबर है 0 के। तो अभी हम इसकी जगह 0 माइनस टेंजेंट थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 पाई 0 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा आ जाएगा। तो 0 माइनस टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इनटू टेंजेंट 0 आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 आ जाएगा 1 और माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 वही माइनस टेंजेंट थीटा ही है और यही चीज़ बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 जिसमें हमें टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 रेडियन प्लस थीटा को प्रूफ करना है के बराबर है माइनस कोटेंजेंट थीटा के। तो इधर हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को ले ले और लेफ्ट हैंड साइड पर टेंजेंट का फार्मूला यूज़ कर ले जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था। तो इधर अल्फा की जगह 3 पाई बाय 2 आ जाएगा क्योंकि इधर 2 पाई है और इस क्वेश्चन में 3 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री और टेंजेंट ऑफ 270 हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम दूसरे फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा के। तो हम टेंजेंट की जगह साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अभी हम ऊपर और नीचे को फार्मूलों के ज़रिए ओपन करेंगे। तो हमारे पास पहला फार्मूला ये है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा इनटू साइन बीटा के और हमारे पास कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बराबर है कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। तो इधर हम दोनों ही केस में अल्फा की जगह 3 पाई बाय 2 और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे। अल्फा की जगह 3 पाई बाय 2 रेडियन और बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे। तो इक्वल्स टू ऊपर साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा की जगह साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ अल्फा की जगह हम 3 पाई बाय 2 लिखेंगे इनटू कोसाइन बीटा कोसाइन ऑफ बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे फिर प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा की जगह फिर से 3 पाई बाय 2 और
इंटू साइन ऑफ बीटा की जगह थीटा पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय, और नीचे हमारे पास कोस है तो हम इसको इसी फार्मूले से ओपन करेंगे। तो हमारे पास है कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, तो कोसाइन ऑफ 3π/2 इंटू कोसाइन बीटा, कोसाइन ऑफ बीटा, बीटा की जगह थीटा लिखेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह 3π/2 इंटू साइन ऑफ बीटा की जगह थीटा लिखेंगे इक्वल्स टू, तो इधर 3π/2 रेडियन बराबर है 270 डिग्री के। तो हमारे पास साइन ऑफ 270 आ जाएगा माइनस 1 इंटू कोसाइन थीटा, और प्लस कोसाइन ऑफ 3π/2 यानी कोसाइन ऑफ 270 डिग्री आ जाएगा 0 के बराबर इंटू साइन थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे कोसाइन ऑफ 3π/2 की जगह 0 इंटू कोसाइन थीटा, फिर आ जाएगा माइनस, और साइन ऑफ 3π/2 की जगह माइनस 1 आ जाएगा, और ये साइन थीटा वैसे ही। तो हमारे पास अगर साइन ऑफ 3π/2 हो तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1, और अगर कोसाइन ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू 0 तो माइनस 1 इंटू कोसाइन माइनस कोसाइन थीटा प्लस 0 इंटू साइन 0 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 0 इंटू कोसाइन 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू साइन साइन थीटा, माइनस कोसाइन प्लस 0 माइनस कोसाइन थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 प्लस साइन वही साइन थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास कोसाइन डिवाइडेड बाय साइन आ जाएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि अगर कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो तो इसका आंसर कोटेंजेंट थीटा भी लिखा जा सकता है, और यही माइनस कोटेंजेंट थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।